अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS602 यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 35, 36 और 37 में। तो इन तीनों लेक्चर का टॉपिक जो था वो एक ही था, कर्व्स के बारे में। तो इसलिए इनको मैंने कंबाइन कर दिया है। इनमें हम पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में कि कर्व्स क्या है। कर्व इन मैथमेटिक्स कैन एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पाथ ऑफ ए कंटीन्यूसली मूविंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट या कोई भी लाइन जो कंटीन्यूसली मूव करे, एक जगह से दूसरी जगह चलती रहे कंटीन्यूसली, तो इसे हम कर्व कहेंगे। जैसे अब ये हमारे पास एक 2D प्लेन है, तो यहाँ से कोई लाइन स्टार्ट हो रही है तो ऐसे घूमती जा रही है इस शेप में, या किसी सर्कल की शेप में, एलिप्स की शेप में, तो ये हमारे पास जो है वो कर्व होगा। आप पैरामेट्रिक कर्व, ये इसकी टाइप है। आप पैरामेट्रिक कर्व इज़ वन हुज डिफाइनिंग इक्वेशन आर गिवन इन द टर्म ऑफ ए सिंगल कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल द पैरामेट्रिक वेरिएबल। हमारे पास ये पैरामेट्रिक कर्व एक ऐसा कर्व है जिसकी एक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिंगल कॉमन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो दरकार होती हैं। इन तीनों की मदद से हम इसकी इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, इसे हम पैरामेट्रिक वेरिएबल कहते हैं। पैरामेट्रिक कर्व, पैरामेट्रिक इक्वेशन आर कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टेक मेक अप ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। जो हमने पीछे कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, 1D कोऑर्डिनेट, 2D कोऑर्डिनेट और 3D कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3D जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में उनके बारे में पढ़ा था। तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन या कर्व्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व इज़ अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन। अब सिंगल प्लेन हमारे पास यही होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। इसमें कहीं पे भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स वगैरह आ सकते हैं जिनकी मदद से हम अपने कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन कर्व में भी क्लोज्ड और ओपन, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ओपन कर्व्स आर लाइन, पैराबोला एंड हाइपरबोला, एंड सम ऑफ द अदर मोस्ट कॉमन क्लोज्ड कर्व्स आर सर्कल, एलिप्स। जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास पैराबोला की ये वाली इक्वेशन होती है, ये हमारे पास पैराबोला होता है, और कुछ हमारे पास हाइपरबोला की भी कुछ इस तरह की इमेज होती है। तो ये हमारे पास अब ओपन कर्व्स हैं, तो ये भी हमारे पास एक प्लेन कर्व कहलाएंगे। और अगर हम कोई अपना सर्कल ले लें या एलिप्स ले लें, तो ये हमारे पास अब क्लोज कर्व है कहेंगे, तो ये भी हमारे पास एक प्लेन कर्व की सूरत में नज़र आएगा। उसके बाद है स्पेस कर्व। आ कर्व विच मे पास थ्रू एनी रीजन ऑफ 3D स्पेस। इससे थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है कि 3D रीजन, कोई भी हमने जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमें दिया गया है, तो ये हमारे पास होगी 3D। तो अब इसमें हमें एक सिलेक्टेड रीजन दिया गया है, तो सिलेक्टेड रीजन के अंदर से पास होते हुए जो भी कर्व या लाइन जाएगी हमारे प्लेन पे ड्रॉ होगी, वो हमारे पास स्पेस कर्व कहलाएगी। उसके बाद है टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन, इसके बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, इज़ अ लाइन इन अ प्लेन दैट टच अ सर्कल और कर्व एट एनी प्लेस ऑन आउटर साइड। अब ये हमारे पास एक प्लेन है और ये मैं आपको बना के दे रहा हूँ एक सर्कल, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे सेंटर पॉइंट। अब जो एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे सर्कल को आउटर साइड पे टच करेगी और फिर निकल जाएगी, इनर साइड पे इसका कोई काम नहीं है। आउटर साइड पे पूरे के पूरे सर्कल को किसी भी साइड पे ये टच करके निकल जाए, तो इससे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। आज के इस
लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।